हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वाटर प्रेशर स्विच के बारे में। इसके बारे में हम इसका वर्क बताएंगे, क्या इसका वर्क है, इसका सेटिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि ये इसका लाइफ बहुत लंबा होता है, ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। वीडियो के बारे में नॉलेज है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं नॉलेज है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मतलब इसका वर्क क्या है, इसके वर्क के बारे में हम जानते हैं कि इसका वर्क क्या है, उसके बाद इसका अदर पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसका वर्क दोस्तों ये है कि ये लाइन, मान लीजिए कोई भी पंप है, उसका हम प्रेशर सेट करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर होने पे कट ऑफ हो जाएगा, और मिनिमम प्रेशर जब होगा तभी कट ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारे लाइन में प्रेशर कम नहीं होगा और ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा होने से मान लीजिए कहीं भी लाइन में ब्रोकन हो जाएगा, लाइन फट जाएगा, चाहे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, लीकेज आएगा, ऐसा करके जितना हमको प्रेशर चाहिए उतना सेट करके रख सकते हैं। और मिनिमम प्रेशर इसलिए रख सकते हैं कि लाइन में अगर ज़्यादा पानी कम हो जाएगा, चाहे प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर आने का चांस हो जाएगा, जिससे हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम प्रेशर को बढ़ा कैसे सकते हैं और घटा कैसे कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों दो नट लगा होता है, आपको जाना है ऐसे, एक कवर लगा होगा, कवर को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद देखिए, इसमें दो नट लगा होगा, एक छोटा नट है और एक बड़ा नट है। जो बड़ा नट है, इससे हम प्रेशर को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो डिक्रीज होगा। मतलब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ये एक बार पूरा, एक चक्कर पूरा घुमाएंगे तो एक से दो बार प्रेशर इसमें बढ़ता है। उसके बाद जो नीचे वाला है, ये दोस्तों प्रेशर का ये डिफरेंशियल है। जैसे मान लीजिए आप फोर बार पे कट ऑफ हो रहा है, कम से कम फोर बार पे हो रहा है, और सिक्स बार पे मैक्सिमम में हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है, तो उसका डिफरेंशियल जो बीच का दो बार आ रहा है सिक्स और फोर का, उसको सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसको भी एक चक्कर पूरा घुमाएंगे, अगर थ्री बार में हाफ अप करके थ्री बार घुमाते हैं तो एक से दो बार प्रेशर इसका भी डिफरेंशियल सेट हो सकता है, हो जाएगा। तो इस दोनों का यही सेटिंग है, इससे आपको सेटिंग कर सकते हैं और बराबर चेक करके भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम सेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे कम दो बार पे प्रेशर जा रहा है तो स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए दो बार पे स्टार्ट हो रहा है। इसको हम सेटिंग करके आपको दिखाते जाएंगे कि कितना बार पे जाएगा। अभी देखिए सेटिंग किए हैं तो अभी देखिए फोर बार तक जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये फोर बार पे देखिए स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसे हम सेटिंग कर करके जितना में आपको रखना होगा उतना तक उसका प्रेशर मिनिमम और मैक्सिमम में रख सकते हैं। एक बार हम फिर सेटिंग कर रहे हैं, दोनों आपको नहीं एक साथ में दिखा सकते हैं कैसे सेटिंग करना है, लेकिन अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे कि कैसे आप उसका सेटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको अभी वीडियो में दिखा देंगे। देखिए अभी ये हमारा एक बार फिर से सेटिंग हो गया, हम ड्रेन करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन करने के बाद देखिए अभी फाइव बार से करीब में, अब देखिए ऐसे सेटिंग करना है इसका, ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज में, ऐसे क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो मैक्सिमम कर सकते हैं, और एंटी क्लॉक में करेंगे तो मिनिमम कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम कर रहे हैं, अभी हमारा सिक्स बार से लमसम समथिंग में स्टार्ट हो जाएगा पंप। तो देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हम प्रेशर डाउन कर रहे हैं, प्रेशर डाउन करने के बाद देखिए सिक्स बार से स्टार्ट होकर टेन बार तक जा रहा है, टेन बार नहीं जा रहा है क्योंकि हम वाल पूरा क्लोज करके रखे हैं, इसके लिए कट ऑफ होने तक जा रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम नाइन बार तक हम सेट करके रखे हैं, सिक्स बार पे मिनिमम है और नाइन बार खराब होने का बहुत कम चांस है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। ये किस टाइम में वर्क नहीं करेगा, अगर इसको बराबर प्रेशर नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए जिस लाइन में लगा है वो लाइन में कहीं ब्लॉकेज है, उसको प्रेशर नहीं मिल रहा है,
उस टाइम में भी ये ऑन ऑफ कंडीशन में नहीं जाएगा। जब प्रेशर नहीं मिलेगा तो उसको प्रेशर जितना सेटिंग है उतना नहीं मिलेगा, तो वो टाइम में ना कट ऑफ होगा ना ही ऑन होगा। अगर ऑफ रहेगा तो ऑफ में ही रहेगा, ऐसा सिचुएशन में हो जाएगा। अगर ऑन में रहेगा तो ऑन ही रहेगा। तो इसलिए ये भी चेक करें, अच्छे से चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम मालूम चल जाएगा कि क्या इशू है। ये खराब नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आपको जरूर कुछ जानने सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें।